राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे गुड़ला कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 4 में सांवरिया सेठ के मंदिर में सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्थानीय समस्त महिला मंडल द्वारा रसिया और फाग की धूम संग फाग उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ठाकुर जी सांवरिया सेठ जी के भजन कीर्तन में महाआरती कर फाग महोत्सव मनाया। कुर्ला समस्त महिला मंडल की सदस्य नीलम पारिक व पूजा शर्मा ने बताया कि यहां कस्बे में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर पर विभिन्न भजनों संघों कीर्तन के साथ ही ठाकुर जी महाराज सांवरिया सेठ जी का पंचामृत से अभिषेक भी किया गया। महिला मंडल की सदस्य पूजा शर्मा ने बताया कि सांवरिया सेठ मंदिर प्रांगण में सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर साय 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक गुड़ला महिला मंडल की महिलाओं द्वारा सामूहिक भजन कीर्तन किया गया, जिसमें फाग महोत्सव कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुतियों के साथ ही विधिवत शुरुआत की गई। सदस्य पूजा शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व मंदिर परिसर में विभिन्न रंगों से रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित किए गए और इसके बाद एक के बाद एक नए नए भजनों की सभी महिलाओं ने ढोलक ताल मंजीरे डपली चंग व झांझ की थाप पर नाचते झूमते हुए पुष्पा पारिक नीलम जोशी निर्मला दादी जो पूजा शर्मा सहित समस्त महिला मंडल ने मिलकर विभिन्न भजनों के बाद एक नए नए भजनों की सभी महिलाओं ने ढोलक ताल मंजीरे डपली चंग व छाछ की थाप पर नाचते झूमते हुए पुष्पा पारिक नीलम जोशी निर्मला दादी जो पूजा शर्मा सहित समस्त महिला मंडल ने मिलकर विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर रसिया की रास लीलाओं संग महिलाओं ने फाल्गुनी गीत दिखाएं गाकर खूब ठाट बाट के साथ फाग महोत्सव मनाया। इस दौरान लाल रंग की चुनर पहनी हुई सभी महिलाओं ने ठाकुर जी सांवरिया सेठ जी को गुलाल की पंखुड़ियों व गुलाल अबीर से होली खिलाकर स्वयं महिलाओं ने भी एक दूसरे महिलाओं को प्रेम भाव व हर्षोल्लास के साथ गुलाल अबीर लगाकर ठाकुर जी का फाग महोत्सव मनाया।